काजोल, एक और सवाल कि हमारे देश में बहुत लंबी बहस चली कि नेशनल एंथम थिएटर्स में प्ले करना चाहिए या नहीं. फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया और कहा है कि जरूरी नहीं है कि नेशनल एंथम प्ले किया जाए. एज एन एक्टर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि फोर्स नहीं करना चाहिए आपको लगता है? आई कैनॉट स्पीक फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. एज फॉर मी, व्हेनेवर आई हियर द नेशनल एंथम आई ऑटोमेटिकली स्टैंड अप. वेरी गुड, एक्सीलेंट. लेकिन काजल, क्या वो स्टेटमेंट से आप अग्री करते हैं? जी, क्या उस स्टेटमेंट से? आई थिंक आई गेव माय आंसर ऑन दैट वेरी स्टेटमेंट. यू कैन टेक इट एज व्हाटएवर यू लाइक. आई थिंक आई गेव माय आंसर ऑन दैट वेरी स्टेटमेंट. यू कैन टेक इट एज व्हाटएवर यू लाइक. थैंक यू सो मच. ओके काजल, एक और सवाल कि हमारे देश में बहुत लंबी बहस चली कि नेशनल एंथम थिएटर्स में प्ले करना चाहिए या नहीं. फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया और कहा है कि जरूरी नहीं है कि नेशनल एंथम प्ले किया जाए. एज एन एक्टर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि फोर्स नहीं करना चाहिए आपको लगता है? आई कैनॉट स्पीक फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. एज फॉर मी, व्हेनेवर आई हियर द नेशनल एंथम आई ऑटोमेटिकली स्टैंड अप. वेरी गुड, एक्सीलेंट. लेकिन काजल, क्या वो स्टेटमेंट से आप अग्री करते हैं? जी, क्या उस स्टेटमेंट से? आई थिंक आई गेव माय आंसर ऑन दैट वेरी स्टेटमेंट. यू कैन टेक इट एज व्हाटएवर यू लाइक. थैंक यू.